हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि प्राचीन भारत में धर्म का क्या मतलब होता था। अमूमन हम लोग हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म आदि के बारे में जानते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में जो शब्द है धर्म, इसका व्यापक स्वरूप है और यह किसी आज के धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्राचीन भारत में जो धर्म की व्याख्या की गई है और खास करके ऋग्वेद में 56 बार इसका उल्लेख किया गया है, इसका मतलब है राइटियसनेस, मतलब नीति परायणता या सच्चाई या वर्च्यू माने पुण्य। लेकिन राइटियसनेस वर्ड जो अंग्रेजी का है वो भी इसका व्यापक रूप से व्याख्या नहीं कर पाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महान फिलोसोफर और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे, उनका कहना था कि हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, हर समाज का या सोशल ग्रुप का भी एक धर्म है। और उन्होंने धर्म को एक लॉ माना, मतलब एक कानून जो कि सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है। और धर्म का जस्ट उल्टा होता है अधर्म। तो उनका मानना था कि धर्म मतलब ट्रुथ और अधर्म मतलब पाप, मतलब सीन। पीवी काने के अनुसार धर्म का मतलब था टू रेगुलेट द सोशल कंडक्ट ऑफ द पीपुल, माने सभी व्यक्तियों के सामाजिक आचरण को नियमित करना ही धर्म था। और इसका सबसे बड़ा जो गोल है वो था मोक्ष, मतलब आप अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मतलब यू गेट लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना, ये धर्म का अल्टीमेट लक्ष्य है। भागवत गीता के अनुसार धर्म मतलब रित, मतलब कॉस्मिक ऑर्डर, और जो धर्म को प्रोटेक्ट करता है उसे धर्म प्रोटेक्ट करता है। धर्मो रक्षिता रक्षिता, मतलब जो व्यक्ति धर्म को प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करता है, धर्म उसे सुरक्षा करता है। और भागवत गीता के अनुसार इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, यह प्रकृति का कानून है और इसका जो अंतिम उद्देश्य है टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब मोक्ष प्राप्त करना, जो हमारे हिंदू धर्म में जो चार जो गोल निश्चित किए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म जो है वो हमारे सामाजिक जीवन का, हमारे व्यक्तिगत जीवन का फाउंडेशन है, जिसके आधार पर हम अपना जीवन आगे जी सकते हैं, जैसे धन का उपार्जन कर सकते हैं, जैसे सेक्सुअल लाइफ एंड प्लेजर प्राप्त कर सकते हैं जब हम दाम्पत्य जीवन में स्थापित होते हैं, और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, मतलब सभी संसारिक जो बंधन है उससे मुक्ति पाकर जीवन और मृत्यु के कालचक्र से छुटकारा प्राप्त करना। इसीलिए दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यतो धर्म ततो जय, मतलब वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, मतलब जहां धर्म है वहां जीत है, इस प्रतीक चिन्ह को अपनाया। और इस प्रतीक चिन्ह में जो सारनाथ का जो लाइन कैपिटल है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, उसके ऊपर व्हील लगाया गया है जिसमें कि 24 स्पोक हैं। दोस्तों प्राचीन भारत में जो धर्म की व्याख्या की गई है या ऋग्वेद में उसका वर्णन किया गया है, वह आज के जो धर्म है, इस्लाम या ईसाई धर्म या बुद्धिज्म या हिंदू धर्म या जैनिज्म, इन सब धर्मों से अलग है। एक धर्म का जो मुख्य आधार होता है वह है टू बिलीव इन गॉड और सुपर नेचुरल बीइंग। दूसरा है होली बुक, कोई महत्वपूर्ण किताब, जैसे कि इस्लाम में कुरान को होली बुक माना गया है। मैसेंजर ऑफ गॉड, जैसे मोहम्मद साहब को मैसेंजर ऑफ गॉड माने देवदूत माना गया है। राइचुअल्स मतलब कर्म कांड, हर धर्म के अपने अपने राइचुअल्स या कर्मकांड होते हैं और उन धर्म के जो अनुयायी हैं उस कर्मकांड को समय समय पर
इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी उसको फॉलो किया जाता है। सभी धर्म का जो मुख्य आधार है वह है टू बिलीव इन गॉड, मान ईश्वर में या कोई ऐसी सत्ता है जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है, उसमें विश्वास करना। जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्म की अवधारणा किया गया जो कि ऑल पावरफुल है, ऑल यूनिवर्सल है, जो नॉन एट्रिब्यूटेबल है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से इस्लाम में अल्लाह को माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म में कोई सेंट्रल कमांड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि क्रिश्चियनिटी में है या इस्लाम में है। कोई एक होली बुक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पवित्र ग्रंथ हैं, भगवद गीता भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, चार वेद हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, इसका कोई फाउंडर नहीं है जैसे कि इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में है। यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु या टॉलरेंट है, और हिंदू धर्म में कन्वर्जन का माने धर्म परिवर्तन का कोई स्थान नहीं है जैसे कि हम इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में देखते हैं। इस समग्र रूप से अगर देखा जाए तो आज का जो रिलीजन है या धर्म है उसका जो महत्वपूर्ण जो आधार है वह है बिलीफ इन गॉड और सुपर नेचुरल बींग विच कंट्रोल्स द यूनिवर्स। दूसरी तरफ धर्म इस जीवन के बारे में व्याख्या करता है और यह जीवन की जो सच्चाई है रियलिटी ऑफ लाइफ इसके बारे में बात करता है। यह कहता है कि हम अपने आचरण को इस तरह से कंडीशनड करें, रेगुलेट करें ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। यह समाज के सभी सदस्यों को यह निर्देश देता है कि वह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व को या ऑब्लिगेशन जो है उसका पूरी तरह से निर्वहन करें, चाहे समाज में अन्य लोगों से उसका मतांतर हो या ना हो। दोस्तों, प्राचीन भारत के लॉ गिवर्स ने, कानून वेताओं ने वर्णाश्रम धर्म के कंसेप्ट को डेवलप किया और इसका मतलब ये होता था कि जैसे हमारे हिंदू समाज में चार वर्ण बताया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार आश्रम मतलब फोर स्टेज ऑफ लाइफ की व्याख्या की गई है। मतलब ब्रह्मचर्य 1 से लेकर 25 वर्ष के आयु के लिए, गार्हस्थ 25 से लेकर 50 वर्ष के लिए, वानप्रस्थ 50 से लेकर 75 वर्ष के लोगों के लिए, और 75 से लेकर के 100 वर्ष तक के लोगों के लिए संन्यास मैंने टू लीड एन एसेटिक लाइफ। तो हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है और इसी तरह से उसे चार आश्रम मैंने स्टेज ऑफ लाइफ में बांटा गया है। तो धर्म का कहना यह है कि हर एक व्यक्ति को उसके वर्ण के हिसाब से और उसके आश्रम के हिसाब से अपने ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और वो 1 से 25 वर्ष के बीच में है, तो उसे सबसे पहला काम क्या है उसका, उसे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। दूसरा, उसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, विभिन्न कर्म कांडों के जो नियम बताए गए हैं उसके बारे में उसे जानना जरूरी है, यज्ञ करने का विधान ज्ञात करना चाहिए, अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, और जब अध्ययन समाप्त हो जाए उसके बाद में गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहिए, और तब उसे दूसरे आश्रम मतलब गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए जहां पर कि वो शादी करेगा, बाल बच्चे पैदा करेगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ है और अगर उसकी उम्र 25 साल से कम है तो उसका काम है कि वह विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र और अस्त्र की जानकारी प्राप्त करे, उसका प्रशिक्षण ले, और शासन कैसे चलाए जाते हैं उसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जब वह ब्रह्मचर्य आश्रम को पार करके अगले आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसका जो मुख्य कर्तव्य है वह है समाज की सुरक्षा करना, स्वतः की सुरक्षा करना, और इसके अलावा शासन और प्रशासन चलाना, और यही उसका धर्म है। दोस्तों, मनु ने 7 प्रकार के धर्म का उल्लेख किया है। पहला धर्म है सनातन धर्म और यह यूनिवर्सल है, जैसे कि सत्य बोलना, नॉन वायलेंस माने अहिंसा को अपनाना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य अपनाना, अपने सेंसेस अपने इंद्रियों पर काबू रखना, ये सनातन धर्म है। झूठ बोलना यह अधर्म है, किसी से मारपीट करना यह अधर्म है, किसी को नुकसान पहुंचाना यह अधर्म है,
दूसरा धर्म है राजधर्म। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हर एक राजा को राजधर्म अपनाना चाहिए। तो राजधर्म का मतलब क्या हुआ कि बिना किसी भेदभाव कि हर व्यक्ति को समानता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या मंत्री शपथ लेते हैं तो उसमें एक शब्द है कि बिना किसी फेवर के और या बिना किसी द्वेष के इलविल के वो समान रूप से सभी को देखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। तो यही है राजधर्म। तो एक राजा का राजधर्म यह है कि वो समानता के साथ में सभी व्यक्ति से व्यवहार करेगा, जो आंतरिक सुरक्षा प्रदान करेगा, और अगर बाहरी दुश्मन के द्वारा अटैक हमारे देश पर हमला किया जाता है तो उसके बचाव करने की पूरी तैयारी करेगा। तीसरा धर्म है स्त्री धर्म। इसका मतलब होता है कि महिलाएं अपने शुद्ध आचरण रखेंगी, वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगी, वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगी। चौथा धर्म है दाम्पत्य धर्म। जब एक महिला और पुरुष दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनका यह कर्तव्य है दोनों का, पति और पत्नी का, कि वह अपने बच्चों की सही ढंग से देखभाल करेंगे, अपने माता पिता की सुरक्षा करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, नातेदार रिश्तेदारों को भी देखेंगे और समाज के प्रति भी उनका कर्तव्य है। और समाज में अगर किसी तरह से विकृतियां पैदा हो गई हैं तो उसको भी सुधार करने का काम दाम्पत्य जीवन में है। मतलब आप अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते क्योंकि आफ्टर ऑल मैन इज ए सोशल बीइंग। तो व्यक्तिगत तो आपका कर्तव्य है ही, साथ साथ आपका सामाजिक कर्तव्य भी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी में है तो आपका कर्तव्य है जहां तक संभव हो सके उस परेशानी से उसे दूर करना। आज की तरह जो शहरों का जो कल्चर हो गया है कि लोग अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते हैं, यह गलत बात है। ईसा मसीह ने भी कहा था कि अगर तुम्हें शांति से जीना है तो अपने पड़ोसियों से प्यार करो। तो इस तरह से दाम्पत्य जो धर्म है उसका मतलब यह है कि हम अपने बच्चों का देखभाल तो करें ही, साथ साथ जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं या समाज के अन्य लोग हैं, उनका भी सुरक्षा करें, उनकी भी देखभाल करने की व्यवस्था करें। स्वधर्म, इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति जिस आश्रम में है, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति गार्हस्थ आश्रम में है, मतलब 35 साल का है, 25 से 50 साल के बीच का पीरियड जो है गारस्थ आश्रम बोलते हैं, तो उसे धन उपार्जन करना चाहिए, अपने बच्चों की देखभाल करना चाहिए, अपने पत्नी की विशेष सुरक्षा करना चाहिए, घर कैसे चले शांतिपूर्ण ढंग से उसकी व्यवस्था करना चाहिए, कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। आश्रम धर्म का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और वह गारस्थ आश्रम में है तो उसे गारस्थ आश्रम के अनुकूल अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाना चाहिए, परिवार के कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, धन उपार्जन करना चाहिए ताकि सही ढंग से बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। अंत में है आपद धर्म, मतलब जब समाज या वो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में या क्राइसिस में फंस जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या क्या करना चाहिए, मतलब उसे उस क्राइसिस का या आपात स्थिति का डट के मुकाबला करना चाहिए। यह नहीं कि वह रन छोड़ दे, वहां से भाग जाए। कभी कभी दोस्तों जैसे कि प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप या सुनामी, हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लाश उठाने वाला कोई नहीं रहता है, तो एक व्यक्ति के नाते उसका यह कर्तव्य है कि दूसरे लोगों का मदद करना, स्वतः का तो मदद करना ही, दूसरों को जैसे लाश को जलवाना या शुद्ध पानी की व्यवस्था करना या लोगों को विस्थापित करा के दूसरे जो सुरक्षित जगह है वहां पहुंचाना, यह सब उसका कर्तव्य है। दोस्तों अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है। इसका मतलब यह होता है कि राजा धर्म को सुरक्षा प्रदान करेगा, मतलब जो समाज के जो नियम कानून है उसको नियमित करने का काम राजा का है। उसे यह भी देखना है कि जिस वर्ण का जो काम है वो काम करे। अगर कोई वर्ण अपने जो
कर्तव्य है। मतलब मान लीजिए ब्राह्मण का काम था प्राचीन भारत में दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, ये छह कर्तव्य थे। तो ब्राह्मण ये छह कर्तव्य करेंगे और इससे ये विमुख नहीं होंगे, जैसे कि आजकल होता है कि ब्राह्मण रिक्शा चलाता है या दूसरे अन्य काम करता है। तो प्राचीन भारत में राजा को यह जिम्मेवारी दी गई कि जिस वर्ण को जो काम दिया गया है वही काम वह वर्ण करेगा। अगर किसी प्रकार का डेविएशन या विचलन होता है तो राजा का काम है उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, उसको रोकना। जैसे कि समाज में वर्ण संकर माने एडमिक्सचर ऑफ वर्ण, उसको भी रोकना, जहां पर कि चार वर्ण एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको वर्ण संकर बोलते हैं, उसको भी रोकने का काम राजा का था। तो इस तरह से राजा को यह देखना था कि जो प्रजा है वो वर्चुअस लाइफ माने सही ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो दूसरे को आतंकित कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अगर ऐसा होता है तो राजा का प्रथम कर्तव्य है उसे रोकना, और इसीलिए कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा। दोस्तों, सम्राट अशोक ने धर्म की नीति को अपनाया, धर्म को धर्म का ही पाली में धर्म कहा जाता है। तो आखिर सम्राट अशोक के धर्म का क्या मतलब था? दरअसल सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। आज की तारीख में वह अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था, नेपाल से लेकर के सुदूर मैसूर तक फैला हुआ था। इतने बड़े साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के आदिवासी लोग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोग रहते थे। तो उसे निपटने के लिए सम्राट अशोक ने धर्म की पॉलिसी अख्तियार किया, और हालांकि वह बुद्धिस्ट था लेकिन उसने किसी भी प्रजा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। उसने धर्म की नीति को जगह जगह फैलाया, और उसका जो बेसिक जो मोटिव था वह यह था कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसको अक्षुण रखा जाए, जो परिवार की जो संरचना है उसको अस्थिर रखा जाए। उनका जो धर्म था वो सभी वर्गों के प्रति कंपेशन माने दया की बात करता है। ब्राह्मणों और बुद्धिस्ट जो भिक्षु थे उनके प्रति दया भाव का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, और सहिष्णुता सम्राट अशोक के धर्म नीति का सबसे बड़ा आधारभूत स्तंभ है, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, वायलेंस नहीं हो, हिंसा नहीं हो। दोस्तों, प्राचीन भारत के दक्कन और साउथ इंडिया में सभी राजवंशों के राजाओं ने, जैसे पल्लव या चालुक्य या गंगा, चोला, पांड्या, राष्ट्रकूटास, ये सभी राजवंशों के राजाओं ने धर्म राजा की उपाधि ग्रहण किया। इसका मतलब ये हुआ कि राजा का यह कर्तव्य होता था कि सामाजिक जो संरचना है उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब होने से बचाया जा सके। उदाहरण स्वरूप 7वीं शताब्दी में कालभ्रास जो एक ट्राइबल ग्रुप था और पिजांट भी थे, किसान थे, उन्होंने लगभग 75 साल तक विद्रोह किया दक्षिण भारत में और डेकान में। बहुत सारे ब्रह्मदेव विलेजेस जो ब्राह्मणों को दिए गए थे उन्होंने उसे कब्जा कर लिया, पूरा सामाजिक संरचना को उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन तीनों राजवंश के राजाओं ने, मतलब पल्लव, चालुक्यास और पांड्यास ने मिल करके, हालांकि वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे और उनके 200 वर्षों का इतिहास आपसी युद्ध का ही है, लेकिन जब कालभ्रास ने विद्रोह किया और जो सामाजिक संरचना था उसे तितर बितर करने का प्रयास किया, ब्राह्मणों पर अटैक किया, मंदिरों पर अटैक किया, तो ये तीनों राजवंश के राजाओं ने मिलकर के इस विद्रोह को दबा दिया। दोस्तों, आखिर निष्कर्ष क्या है? हमारे हिंदू धर्म में पुरुषार्थ शब्द की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ मतलब गोल ऑफ लाइफ, माने हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और चार उद्देश्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब जो धर्म सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की आधारशिला है, वो सामाजिक जीवन को रेगुलेट करता है, आसमाज को रेगुलेट करता है, वो समाज के जो व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर है, उसको होल्ड माने अस्थायित्व प्रदान करता है, वो सामाजिक जीवन की वास्तविकता को
इंगित करता है, जबकि रिलीजन जो है जैसे हिंदू धर्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी वो सुपरनेचुरल पावर या ईश्वर की अवधारणा करता है जो पूरे यूनिवर्स को नियंत्रित करने का काम करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो सब धर्म है जिसको कि अंग्रेजी में राइटियसनेस भी कहा जाता है या वर्चू कहा जाता है वह काफी विस्तृत है और व्यापक है, और वर्तमान में जो हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म के बारे में हम समझते हैं उससे यह भिन्न है। और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने लोगों में प्रतीक चिन्ह में यतः धर्मो ततो जय, जहां धर्म है वहां विजय है, वहां जीत है, इसका लोगों इसका प्रतीक चिन्ह उन्होंने अपनाया हुआ है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप YouTube के अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी इसे देख सकते हैं। मैंने अंग्रेजी में ब्लॉग भी लिखा है, तो आप डिस्क्रिप्टिव चैनल में जाकर के बटन को प्रेस करें, आपको मेरे द्वारा अंग्रेजी में लिखा हुआ डिटेल में जानकारी इस विषय पर मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।